लार्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या थी ये नीति, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये नीति बेसिकली एक प्रकार की एनेक्सेशन पॉलिसी थी, मतलब राज्य को जबरदस्ती अपने अधीन कर लेना। तो ब्रिटिशों की एक ये जबरन प्रणाली थी, जिसमें मोस्टली हमने इतना तो समझा ही होगा अब तक कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, अगर उनका कोई एक लीगल मेल हायर नहीं है, कोई एक लीगल मेल उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। तो ये नीति बेसिकली 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडिया में लागू की गई। मेन पर्पज़ क्या था, ब्रिटिश पैरामाउंटसी यहाँ पे शो करना, तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थोपना इंडियन स्टेट्स के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी था कौन और क्या इसकी पॉलिसी थी। तो हु वाज लॉर्ड डलहौजी एंड व्हाट वाज हिज पॉलिसी। तो डलहौजी कौन था, स्कॉटिश स्टेट्समैन, एक स्कॉटलैंड का निवासी था, और ये इंडिया में गवर्नर जनरल बनता है 1848 से 56 के बीच में। इसकी पॉलिसी क्या थी, इसकी पॉलिसी एक प्रकार की प्रशासनिक पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, जिसका मेन पर्पज था जो डोमिनियन है, जो यहाँ पे उपनिवेश है अपनी, उसको एक्सपेंड करना। तो भारत में ब्रितानी साम्राज्य को एक्सपेंड करना ही इसका मेन मोटिव था। इस पॉलिसी के फीचर्स देखते हैं, तो कोई भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के कंट्रोल में है, अगर उसका कोई लीगल उत्तराधिकारी जो मेल, यहाँ पे कोई लीगल, यहाँ ध्यान देना मेल चाहिए लोगों को, तो लीगल मेल उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन समझा जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य उसे एनेक्स कर लेगा, छीन लेगा। इसी के साथ साथ अगर कोई इंडियन प्रिंसली स्टेट अपने उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, और किसी दत्तक पुत्र को वो बताता है कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा, तो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। दत्तक पुत्र यहाँ पे लीगली अलाउड नहीं थे, आप क्लेम नहीं कर सकते थे कि ये मेरा उत्तराधिकारी है और इसको भी वही चीज़ें सब मिले जो हमें मिल रही हैं। तो ब्रिटिशों ने एडॉप्टेड सन को कोई पेंशन नहीं दी, कोई टाइटल नहीं दिया, और इस प्रकार के ह्यूमिलेशन से जूझे थे नाना साहब। नाना साहब मराठा पेशवाओं के दत्तक पुत्र थे, जो कि कानपुर में रहते हैं, और वो आगे जाके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं 1857 की म्यूटनी में। अब जरा देखते हैं कि इस नीति के तहत कौन कौन से राज्य कब एनेक्स किए गए। तो सतारा किया गया 1848 में, जैतपुर, यहाँ पे ये आर है, ठीक है, तो जैतपुर किया गया था 1849 में, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पंजाब भी 1849 में यहाँ पे एनेक्स किया जा चुका था। सांबलपुर 1849, भगत झांसी 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। तो ये जो शुरुआती कुछ राज्य थे जो इस नीति के तहत ब्रिटिश एम्पायर में जबरदस्ती शामिल किए गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये बेसिकली जो हम पढ़ते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की राजजड़ नीति, तो ये नीति यहाँ पे इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस नहीं की थी। इससे पहले भी इस नीति का प्रयोग हो चुका था 1824 में, जब डलहौजी यहाँ पे था भी नहीं। तो 1824 में कित्तूर नामक प्रिंसली स्टेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही अनीतिपूर्ण तरीके से अपने साम्राज्य में शामिल किया था। नाना साहब को ह्यूमिलेट किया गया था, जैसे कि मैंने बताया था आपको। अवध को 7 फरवरी 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया इस नीति के तहत, जो कि बड़ा कारण बनता है 1857 के विद्रोह का। तो 1857 की जो म्यूटनी हुई थी, वहाँ पे जो मेन रीजन था वो अवध का एनेक्सेशन भी था, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। और इसके साथ साथ देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहे। तो बहुत से इंडियन स्टेट्स अपनी संप्रभुता खो देते हैं, वो ब्रिटिश टेरिटरीज में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, मोस्टली मतलब गुलामी हो गई प्रकार से। और इसी बीच नाना साहब राय लक्ष्मीबाई भी बहुत प्रताड़ित होते हैं, उनकी जो फॉर्मर पेंशंस थी वो भी यहाँ पे ख़त्म की जाती हैं। तो आगे जाके 1857 का विद्रोह होगा इस प्रकार से। तो 1857 क्रांति की जो मेन वजह पता क्या थी, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसकी, लॉर्ड डलहौजी की, जो कि एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फेलियर साबित होती है और अंततः इसको
ब्रिटेन में वापस बुलाया जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। तो इतना था हमें जानना, और उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ ऐसे किसी एक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर करना। इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप चिलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।